माननीय अध्यक्ष जी, एक अब मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं, आप जरा प्लीज, बाद में समय, बड़े दयालु है अध्यक्ष जी, बाद में समय मांगिए। जी जी, जी। माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर मैं वक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ हूं। 7 तारीख को उत्तराखंड के चमोली में एक दुर्भाग्यपूर्ण हिमस्खलन हुआ और उसके बाद में जो घटनाएं हुई इसे हम सब विदित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन इसका संज्ञान लेते हुए सूचनाएं भी दी और राज्य सरकार, केंद्र सरकार के सभी अधिकारी पदाधिकारी से बात भी की और उसी क्षण से हमारे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी गृह विभाग के कंट्रोल रूम में सतत इस पर नज़र बनाए हैं। कल शाम तक की जो फैक्चुअल पोजीशन है, क्योंकि पोजीशन बदलती रहती है, कल शाम तक की 5 बजे की सारे तथ्यों को एक वक्तव्य के रूप में मैं आपकी अनुमति से सदन के सामने रखता हूँ। 7 फरवरी 2021 को सुबह लगभग 10 बजे उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा की एक सहायक नदी ऋषि गंगा नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में एक हिमस्खलन की घटना घटी, जिसके कारण ऋषि गंगा नदी के जलस्तर में अचानक काफी वृद्धि हो गई। ऋषि गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण एक बाढ़ आई, उससे 13.2 मेगावाट का कार्यरत छोटी जल विद्युत परियोजना बह गई। इस अचानक आई बाढ़ ने निचले क्षेत्र में तपोवन में धौली गंगा नदी पर स्थित एनटीपीसी की निर्माणाधीन 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को भी नुकसान पहुंचाया है। उत्तराखंड सरकार ने यह बताया है कि बाढ़ से निचले क्षेत्र में अब कोई खतरा नहीं रह गया है और साथ ही साथ जल स्तर में भी कमी आ रही है। केंद्र और राज्य सरकार की सभी संबंधित एजेंसियां स्थिति पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। 7 फरवरी 2021 के उपग्रह डेटा के अनुसार ऋषि गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 5600 मीटर ऊंचाई पर एक ग्लेशियर के मुहाने पर हिमस्खलन हुआ, जो ग्लेशियर लगभग 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का था, जिसके कारण ऋषि गंगा नदी के निचले क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की परिस्थिति बन गई। उत्तराखंड सरकार से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अभी तक 20 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 6 लोग घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 197 व्यक्ति लापता है, जिसमें एनटीपीसी के निर्माणाधीन परियोजना के 139 व्यक्ति, ऋषि गंगा कार्यरत परियोजना के 46 व्यक्ति और 12 ग्रामीण शामिल है। राज्य सरकार ने यह सूचना विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इकट्ठा कर दी है, जिसमें परिवर्तन संभव है। एनटीपीसी परियोजना के 12 व्यक्तियों को एक टनल के अंदर से सुरक्षित बचा लिया गया है। ऋषि गंगा परियोजना के भी 15 व्यक्तियों को घटना के समय ही सुरक्षित बचा लिया गया है। एनटीपीसी परियोजना की एक दूसरी टनल में लगभग 25 से 35 लोगों को फंसे होने का अनुमान है। इस टनल में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने हेतु बचाव अभियान युद्ध स्तर पर अहर्निश जारी है। साथ ही साथ लापता व्यक्तियों को ढूंढने का कार्य भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। राज्य सरकार ने जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपये की सहायता की घोषणा की है। घटनास्थल के नजीक 13 छोटे गांव एक पुल से जुड़े हुए थे, पुल बह जाने के कारण संपर्क कट गया है। इन गांवों के लिए रसद और जरूरी मेडिकल सामान हेलीकॉप्टर द्वारा लगातार पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा स्थिति की निगरानी उच्चतम स्तर पर की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम द्वारा स्थिति पर 2400 घंटे नजर रखी जा रही है और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया की जा रही है।
विद्युत मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने घटना स्थल का दौरा किया और चल रहे राहत एवं बचाव कार्य का भी जायजा लिया है। आईटीबीपी ने अपना कंट्रोल रूम स्थापित किया है और उनके 450 जवान सभी जरूरी साजो सामान के साथ घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और राहत और बचाव अभियान में लगी हैं। आर्मी की 8 टीमें, जिसमें एक ईटीएफ इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी शामिल है, घटनास्थल पर बचाव कार्य कर रही है। एक मेडिकल कॉलम, 2 एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर तैनात है। नेवी की एक गोताखोर टीम भी घटनास्थल पर बचाव कार्य में के लिए पहुंच चुकी है। एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टरों को भी इस कार्य में लगाया गया है। जोशी मठ में भी 1 आर्मी का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। घटनास्थल पर विपरीत परिस्थिति में भी घटना के बाद से ही लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। टनल में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए रात भर के अथक प्रयास के बाद आर्मी द्वारा टनल के मुंह पर पड़े मलबे को साफ कर लिया गया है। हमारे लोग काफ़ी अंदर तक पहुंच चुके हैं। केंद्रीय जल आयोग को जो कर्मचारी अलकनंदा और गंगा बेसिन हरिद्वार तक में कार्यरत है, उनको अलर्ट पर रखा गया है। सशस्त्र सीमा बल की एक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। डीआरडीओ की एक टीम भी हिमस्खलन की निगरानी कर रही है, जो घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। एनटीपीसी के सीएमडी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग दिनांक 7 फरवरी को ही 4:30 कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ कार्य करने और राज्य प्रशासन को सभी जरूरी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ जिला प्रशासन, पुलिस, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। एसडीआरएफ की 2 टीमें भी राहत में जुटी हुई है। राज्य का स्वास्थ्य विभाग की 7 टीमें, 8 एम्बुलेंस मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के साथ वहीं पर तैनात है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने भी 5 हेलीकॉप्टर को बचाव और राहत कार्य के लिए तैनात किया हुआ है। घटना के बाद सभी जगह बिजली की बहाली पूर्ण कर दी गई है। बीआरओ और राज्य पीडब्ल्यूडी द्वारा 5 पूर्ण रूप से टूटे हुए पुलों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोर्स SDRMF में लगभग 1,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है उत्तराखंड राज्य के लिए, जिसमें से केंद्र का अंश 468 करोड़ रुपया जारी कर दिया गया है। मैं सदन को केंद्र की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि राहत और बचाव कार्य के लिए सभी संभव उपाय राज्य सरकार के साथ समन्वय बिठाकर केंद्र की ओर से किया जा रहे हैं और जो भी आवश्यक कदम उठाना जरूरी है उसको भी उठाने में केंद्र सरकार की पूरी तैयारी है। उत्तराखंड के